श्योपुर आलोक कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना देहात श्योपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 175 लीटर कच्ची शराब में उपकरण के साथ आरोपी अमर सिंह पुत्र बलवीर सिंह को देहात थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। 16 अक्टूबर 2022 को पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग श्योपुर के मार्गदर्शन में जरिए मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम विट्टलपुर में एक व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची शराब बनाकर बेचते हैं। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मैं फोर्स के रवाना होकर मुखबिर के बताए स्थान पर ग्राम विट्टलपुर पास पहुंचे, जहां पर मैं फोर्स के संदिग्ध स्थानों के आसपास तलाश किया तो ग्राम विट्टलपुर में रहने वाले अमर सिंह पुत्र बलवीर सिंह सिख का घर के पास शराब उतारता हुआ मिला, जिसके पास से दो एक भट्टी, तीन ड्रम जिनमें लाहन करीबन 540 लीटर एवं तीन केन कच्ची शराब की जिसमें करीबन 175 लीटर कच्ची शराब कीमत करीबन 17,500 रुपए की जब्त की गई और मौके पर प्राप्त भारी मात्रा के लाहन को नष्ट किया गया और मौके पर ही शराब बनाने के उपकरणों एवं शराब को जब्त की गई और आरोपी अमर सिंह पुत्र बलवीर सिंह सिख उम्र 50 साल निवासी ग्राम विट्टलपुर थाना देहात श्योपुर को गिरफ्तार किया गया। उक्त संपूर्ण कार्रवाई के दौरान उप निरीक्षक विकास सिंह तोमर, थाना प्रभारी देहात ध्रुव सिंह भदौरिया, श्यामवीर सिंह, जितेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र मीणा, अजय दोहरे, धर्मेंद्र सिंह जादौन, हरिमोहन गुर्जर, अंसार खां, विजय जादौन, नितेंद्र सिंह, प्रदीप सिकरवा, प्रमोद चौरसिया, नागेंद्र चंद्रशेखर, माधुरी तोमर, सोनम रजावत, उपेंद्र सिंह, प्रदीप तोमर, गंभीर रामस्वरूप, कल्याण कुशवा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शेरपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। ये पुलिस को लगातार आशामुक्ति अभियान के दौरान सूचना मिल रही थी कि विट्टलपुर गांव में अवैध रूप से भारी मात्रा में कच्ची शराब बना करके और आसपास के क्षेत्रों में छुपाया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में गंभीर जनहानि भी हो सकती है। सूचना पर से तस्दीक की गई, मुखबिर मामूर किए गए और थाना देहात कोतवाली और पुलिस लाइन तीन जगह की फोर्स आज सुबह सुबह तवीज की। वहाँ पर अमर सिंह पुत्र बलवीर सिंह द्वारा वहाँ पर अवैध शराब की भट्टी और फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिसे मौके से लहान, हजारों लीटर लहान जब्त किया गया और 175 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है। आरोपी अमरजीत सिंह पुत्र बलवीर सिंह को गिरफ्तार कर जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। इस संपूर्ण कार्रवाई में आबकारी विभाग की भी मदद मिली।